हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है सिनोनिम्स यानी मिलता जुलता शब्द। प्रत्येक वाक्य में बोल्ड लेटर में जो भी शब्द हैं और नीचे चार चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उस बोल्ड लेटर को चारों ऑप्शंस में से एक के साथ मिलाना होता है। मिलता जुलता शब्द होना चाहिए, जैसे ही वॉज सैड दैट हिज सीनियरिटी हैड बीन ओवरलुक्ड। वह उदास था क्योंकि उसकी सीनियरिटी को ओवरलुक कर दिया गया, यानी रिजेक्टेड किया गया या नेगलेक्टेड कर दिया गया। तो दोस्तों, चारों ऑप्शंस में, इन चारों ऑप्शंस में दो सही ऑप्शन है, रिजेक्टेड और या नेगलेक्टेड। लेकिन सबसे सही ऑप्शन होगा रिजेक्टेड, क्योंकि कार्यालय संबंधित वाक्यों के लिए रिजेक्टेड शब्द का ही इस्तेमाल होना चाहिए। उसी प्रकार वैनिटी इज ऑफन नोटिसिएबल इन अ ग्रेट लीडर, यानी वैनिटी यानी झूठा अभिमान, झूठी शान प्रायः बड़े नेताओं में दिखता है। यहाँ दिखना का एक ही ऑप्शन सही है, विजेबल। नोटिसिएबल मीन्स विजेबल, यानी इसका सही आंसर डी होगा, विजेबल। एडमायरेबल मीन्स प्रशंसनीय, डिजरेबल मीन्स इच्छित, तथा रिमार्केबल मतलब बेजोड़। तो इन चार ऑप्शंस में नोटिसिएबल का विजेबल ही होगा। लेट्स गो टू थर्ड सेंटेंस। इन हिज लस्ट फॉर वेल्थ ही हैड रीच द जेनिथ ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज, यानी संपत्ति के भूख में वह अपराध की दुनिया में जेनिथ यानी शिखर पर पहुंच गया। जेनिथ यानी शिखर पर पहुंच गया है अपराध की दुनिया में। इन हिज लस्ट फॉर वेल्थ, धन के चक्कर में, धन की चाहत में वो अपराध की दुनिया में शिखर पर पहुंच गया। शिखर का चार ऑप्शंस में से सही ऑप्शन कल्मिनेशन होगा। कल्मिनेशन में शिखर यानी चरम बिंदु। नाउ लेट्स गो टू फोर्थ सेंटेंस। इट वॉज प्योर वेब फैब्रिकेशन विद एन आई फॉर अ सेंसेशन, यानी किसी खास मकसद के साथ सेंसेशन पैदा करने हेतु यह खांटी जालसाजी है, फैब्रिकेशन। यह खा प्योर जालसाजी का काम था और इसके पीछे कोई खास मकसद था, फॉर सेंसेशन यानी सेंसेशन पैदा करने के लिए, एक सनसनी पैदा करने के लिए यह जालसाजी का काम था। और उस जालसाजी का काम को किसी खास मकसद के साथ किया जाना था, विद एन आई यानी किसी उद्देश्य के साथ। आई का सही ऑप्शन एम होगा, आई का सही ऑप्शन एम होगा। इन चारों ऑप्शंस में सबसे अच्छा इसका ऑप्शन डी। दोस्तों, लेट्स गो टू फिफ्थ सेंटेंस। अ रिलायबल फ्रेंड इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी विश्वसनीय दोस्त ही भगवान का दिया हुआ उपहार होता है। तो दोस्त में कैसा दोस्त, इसके सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। या तो डिपेंडेबल, हेल्पफुल, ट्रू, ऑनेस्ट, सारे के सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो ऐसी हालत में और सही ऑप्शन खोजना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब हम इसे गहराई से देखेंगे तो पता चलेगा, डिपेंडेबल मतलब वैसा फ्रेंड जिस पर निर्भर रहा जा सकता है, जो जरूरत में काम आए। तो सही ऑप्शन होगा डिपेंडेबल, रिलायबल का। नाउ लेट्स गो टू द सिक्स सेंटेंस। पब्लिक ओपिनियन विल पिलोरी दीज एजेंट्स ऑफ क्राइम, यानी लोगों की राय इस अपराध के ठेकेदारों की निंदा करेगी। पिलोरी, पिलोरी मीन्स स्कॉर्न, स्कॉर्न मीन्स निंदा करना।
इसका सही ऑप्शन स्कॉर्न ही होगा। बिलहरी तथा स्कॉर्न दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों हमने यह सिनोनिम्स देखा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ये टॉप सिनोनिम्स हैं जो अक्सर हाँ पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।